दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकुर आपके साथ मौजूद हूं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर। विषय है कि फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल चलाने वाले, एक प्राइवेट अस्पताल के चलाने वाले संचालकों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई का जब नाम आता है तो कान खड़े हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जो अगर मैं कहूँ कि अपराध की दुनिया का सरगना, इस समय जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जेल में बंद रहते हुए उनके नाम पर उगाही चल रही है, और जेल में बंद रहते हुए उनके नाम पर जिस प्रकार से रंगदारी के लिए, जिस प्रकार से लोगों को दहशत में डालने के लिए टेलीफोन कॉल्स और ये सब कुछ चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले ये जरूर बता दूं कि ये सब कुछ पुलिसिया जो कार्रवाई है या जो देश की पुलिसिंग है, देश की इंटेलिजेंस है, देश की जो कानून व्यवस्था है, उस पर सवालिया निशान लगाता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जब आता है तो याद आ जाता है बाबा सिद्दीकी का मर्डर। लॉरेंस बिश्नोई का जब नाम आ जाता है तो याद आता है सिद्धू मूसेवाला का मर्डर। और लॉरेंस बिश्नोई का जब नाम आता है तो सामने आती है सलमान खान वाली वो सारी हिस्ट्री जो आज से 20 साल पहले शुरू हुई थी। 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके। आज भी एक सलमान खान के को एक धमकी की बात चल रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि या तो बिश्नोई मंदिर में जा करके, क्योंकि काला हिरन के शिकार में सलमान खान दोषी पाए गए थे, उनको अदालत से सजा भी हुई, और उस मामले के अंदर बिश्नोई समाज उनसे खफा है, नाराज है। और ये वाजिब बात भी है कि जब भी किसी की आस्था को चोट पहुंचती है, आस्था को ठेस पहुंचती है, तो फिर वो सब कुछ हुआ करता है। लेकिन क्या ये सब कुछ हुआ करता है? बड़ा सवाल ये आ जाता है दोस्तों। आज सलमान खान को कहा गया कि इसको जो धमकी दी गई उसके अंदर कहा गया है कि वो बिश्नोई मंदिर में माफ़ी मांगे और 5 करोड़ रुपए दें, यानी कि रंगदारी। जब पैसे की मांग आ जाती है तो उसको रंगदारी कहा जाता है। आपराधिक और आपराधिक घटनाओं से जुड़े हुए किस्से, कहानियां, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा चलता रहा है। चाहे वो छोटे स्तर के गैंगस्टर हों, यानी कि जो गांव, गली, मोहल्ले और कस्बों के अंदर होते हैं, और चाहे फिर वो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के गैंगस्टर्स रहे हों, पुलिस के लिए चुनौती तो बनते रहे। लेकिन बड़ी बात तब बन जाती है जब कोई गैंगस्टर जेल के अंदर हो और जेल के अंदर से उसका धमकी वाला ये सारा नेटवर्क चल रहा हो। बात ये भी आ जाती है कि क्या गैंगस्टर के नाम पर कोई और खेल चल रहे होते हैं, और या फिर उन गैंगस्टर के लोग होते हैं। आपको ध्यान होगा कि आज से लगभग 1 सप्ताह पहले एक बड़े टीवी चैनल, न्यूज चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के एक बड़ी खबर चलती रही, जिसके अंदर ये कहा जाता रहा कि जेल के जो सिग्नल डाउन करने के लिए उसने कहा कि वो 1 लाख रुपए से जैमर ब्लॉक करने के लिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा प्रति मिनट या प्रति घंटा खर्च करता है। और वो धमकी थी पप्पू यादव को। पप्पू यादव जो देश के सांसद हैं, बिहार के सांसद हैं, निर्दलीय सांसद चुने गए थे, पप्पू यादव को धमकी दी गई थी उसके अंदर। यानी कि फिल्म स्टार से लेकर के और व्यवसायी तक, कारोबारी तक, नेताओं से लेकर के और जनप्रतिनिधि तक, जब सभी को धमकी जाती हैं और फिर उसके बाद में अगर शासन प्रशासन और सरकारें खामोश रह जाती हैं, और ख़ासकर फिर उस गुजरात से, जब गुजरात की बात आती है दोस्तों, एक बात और ध्यान आ जाती है कि गुजरात देश का मॉडल माना जाता है, और वहाँ की जेल से बंद कोई अपराधी अगर इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार की बातों को अंजाम देता है, तो फिर वो बात दूर तक जाती है और सवालिया निशान कई खड़े होते हैं। अब जो ताज़ा मामला है कल का, जिसके अंदर कि फरीदाबाद के निजी अस्पताल संचालक को लॉरेंस के नाम पर धमकी दी गई, ये सवालिया निशान जरूर लगाता है। आखिर उस फरीदाबाद के निजी अस्पताल संचालक से लॉरेंस का क्या, या लॉरेंस गैंग का, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कौन सा उसके साथ में कनेक्शन होगा, या ऐसा कौन सा पेच होगा जो उससे धमकी दी गई? क्या वो धमकी रंगदारी के लिए दी गई? मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जोड़ता चलूं दोस्तों। पलवल के अंदर एक टेररिस्ट, एक बदमाश का आतंक रहा है, नीरज फरीदपुरिया नाम है उनका, और नीरज फरीदपुरिया के नाम से कई धमकियों की बात चलती रही। पिछले दिनों ऐसी कई बातें सामने आई कि जब नीरज फरीदपुरिया के नाम पर छोटे मोटे जो गली के बदमाश उचक्के होते हैं, उन लोगों ने धमकियां दी, और पलवल के पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने उसके अंदर, जो उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में काम हुआ, उसके अंदर कई ऐसे लोगों को पकड़ा भी गया। अब वही बात यहाँ आ जाती है कि क्या लॉरेंस गैंग के नाम पर कोई नीचे खेल चल रहा है? क्या कोई अपराध और जरायम पेशा जो लोग हैं,
वो जो कि जेल से बाहर होते हैं, और क्या वो इस प्रकार का घटनाक्रम को अंजाम देकर क्या लोगों के बीच में दहशत बना करके रंगदारी खेल खेलना चाहते हैं, और या फिर क्या ये सब कुछ शासन प्रशासन के नाक तले जेल में बंद कोई अपराधी करवा रहा है। ये सारी जो सवाल हैं ये कानून व्यवस्था पर क्योंकि सवालिया निशान लगते हैं, और जब कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगता है तो फिर आम व्यक्तित्व, आम जो आम आदमी है जो, और या फिर चाहे वो व्यवसायी है, कारोबारी है, ये तमाम प्रकार के जो लोग हैं, इनमें कहीं ना कहीं चिंता की लकीर जरूर जाती है। और चिंता की लकीर यूँ जाती है कि अगर इस प्रकार से जो धमकी वाले मैसेज, धमकी वाले फ़ोन और जब होते हैं, और वो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इसके पीछे कहीं ऐसा संदेश भी अग्रेषित होने लग जाए, क्योंकि लॉरेंस को लेकर के आप एक बार दोस्तों पिछले दिनों में और देख सकते हैं, अगर आप गैंगस्टर्स की दुनिया में या पिछले कुछ समय को देखें तो कभी मुंबई में दाऊद का जो आतंक हुआ करता था तो दाऊद के सामने छोटा राजन निकले थे, और अब जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, और जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो उनके नाम से पेज बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो लॉरेंस के नाम से कई ऐसे प्रोफाइल बनी हुई हैं जिन पर कि उनको रॉबिनहुड बताया जा रहा है, या फिर आप देख सकते हैं कि अभी पिछले ही दिनों बिश्नोई महासभा ने, युवा बिश्नोई महासभा का उनको अध्यक्ष मनोनीत किया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस समय जनता के बीच में हैं, और ख़ासकर क्योंकि ऐसा कोई दिन जा ना रहा हो जबकि लॉरेंस के नाम पर ये धमकी वाली बातें या ये इस प्रकार का थ्रेट देने की बातें ना चल रही हों। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये सब कुछ जेल से हो सकता है, और या फिर बाहर बैठे लोग इसके अंदर कोई अंजाम देते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये गैंगस्टर की तरफ से हुआ करता है, और या फिर उसके नाम पर जो जरायम पेशा छोटे मोटे लोग होते हैं, या आपको क्या लगता है कि जो जरायम करने वाले, अपराध करने वाले गली मोहल्ले के या जो कस्बों के लोग होते हैं या जो छोटे गैंगस्टर होते हैं, वो बड़े का नाम ले करके और लोगों को भयभीत करते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोशन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।